खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रूस को यूक्रेनी सेना ने करारा जवाब दिया है। यूक्रेन के हमले में जंगी जहाज तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बर्दियेस्क में रूस का युद्धपोत उड़ा दिया गया है। 45 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। जहाज पर 20 टैंक मौजूद थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। 400 रूसी सैनिकों की मौत का दावा भी यहां पर किया गया है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से लगातार यूक्रेन को नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ऐसे में यह बड़ा दावा यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री की तरफ से, कई गाड़ियां, कई टैंक, कई सैनिकों को मार गिराया गया है। लगातार दोनों देशों के बीच में जंग जारी है। आज उस जंग का 29वां दिन, और दूसरी ही तरफ आप देखें बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। और ऐसे में ये चार तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेनी सेना के रूसी युद्धपोत पर हमले के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वहां से सामने आए वीडियो में बर्दियेस्क के बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका होता हुआ दिखाई दिया, और इस धमाके के बाद बंदरगाह के बड़े बड़े तेल टैंकर्स में भीषण आग लग गई। वहीं इस हमले के कुछ और वीडियोस में भी जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ आसमान में आग का एक बड़ा गुब्बार फैल गया। तबाही की ये तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। ये चार तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ तबाही का मंजर किस तरीके से दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, और ऐसे में दिन ब दिन तबाही अपने चरम पर पहुंचती हुई, और ऐसे में यूक्रेन पर जो युद्ध रूस की तरफ से थोपा गया था, रूस को किस तरीके से रोका जाए, पुतिन को किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर आज बैठक भी रखी गई है। तो पिछले 29 दिन से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया गया, हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो किस इलाके का है। लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठी और वहां एक बड़े इलाके में फैल गई। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखा। यूक्रेन की ओर से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने यह हमला एक रूसी टैंक पर किया था, और इसके लिए उसने एंटी टैंक मिसाइल स्ट्रुगना का इस्तेमाल किया। स्ट्रुगना मिसाइल से किया गया यह हमला बेहद सटीक रहा और इसमें एक रूसी टैंक तबाह हो गया। और वहीं यूक्रेन के मारीपुल शहर से तबाही का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पूरा मारीपुल शहर खंडर में तब्दील नजर आया। वीडियो को यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी किया है, जिसमें मिसाइल अटैक का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ गया और चारों तरफ जली हुई इमारतें, मलबे का ढेर नजर आया। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील दिखी और इन इमारतों से धुआं उड़ता दिखा। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक के बाद एक हुए मिसाइल अटैक में 90% शहर बर्बाद हो गए। यहां तक कि रूसी सेना की तरफ से अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमी दोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जहाँ हमले का निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम गिराए गए। युद्ध के करीब एक महीने बाद शहर के चारों तरफ खौफ पसरा नजर आया। अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने मारियोपोल के एक थिएटर में भी बम बरसाया था, जिसमें कई लोगों की मौत का दावा किया गया था। और उधर चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया है, जिसमें चर्निव शहर की बर्बादी का मंजर दिखाई दिया है। इस दौरान चर्निव शहर पूरी तरह से तबाह नजर आया, और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद नजर आई, सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का जायजा लेने के लिए वहां की मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल अटैक की ताजा तस्वीरें भी नजर आई। जगह जगह जलती इमारतें दिखी, सड़कों पर बिखरे टायर भी दिखाई दिए। ऐसे लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव की रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। यहां एक स्कूल की इमारत के पास अटैक हुआ था। इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। और वहीं युद्ध के 29वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल तेज कर दिया है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, और इस वीडियो में रूस की ओर से यूक्रेन पर बेस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमला होता दिखा। महज 20 सेकंड के भीतर एक के बाद एक तीन बेस्टियन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई। लॉन्च पैड से निकली मिसाइल पहले हवा में काफी ऊंचाई तक गई और फिर टारगेट की ओर रुख करते हुए आगे निकल गई। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए दागी गई। रूस की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया वहां पर यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी देशों से आए हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे।
रूस ने ये वीडियो जारी किया है और ये दावा किया है कि लगातार किस तरीके से शहर दर शहर हम मिटा रहे हैं, वहां पर तबाही का मंजर है। लेकिन सवाल यही है कि 29वां दिन इस महायुद्ध का है, तो ऐसे में क्या कुछ भविष्य इस पूरे महायुद्ध को लेकर होगा, क्योंकि इस वक्त आप देखिए नेटो की बैठक चल रही है, इसके साथ ही EU की बैठक होनी है, G7 देशों की बैठक होनी है। इन सभी बैठकों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या इस बैठक से कोई हल निकलता हुआ दिखाई देगा, इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन उधर राजधानी कीव में रूस ने यूक्रेन के एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 पर ड्रोन से हमला कर दिया है, उसे नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के ड्रोन ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी की। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार आसमान की ओर उड़ता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 पूरी तरह नष्ट हो गया। इससे पहले रूस का ड्रोन यूक्रेन के इस मिसाइल सिस्टम का पीछा करता भी दिखाई दिया, और फिर जैसे ही यूक्रेन का ये मिसाइल सिस्टम अपने बेस पर पहुंचा, रूस ने टारगेट लॉक किया और उस पर बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया।